पार्ट वन में आपने देखा कि दिव्या ने इस पोर्ट को ऐसा डेकोरेट किया था और अब हम इतने किए किराए पे पानी फेरेंगे, यानी क्ले ले लिया है और इसका माथा थोबड़ा या शक्ल जो भी है वो बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ किसी बंदर, खरगोश, टेडी बेयर, इंसान, राक्षस या फिर जानवर का माथा बना देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बनाना स्टार्ट करूंगी बनेगा कोई तीसरा ही। तो चलो देखते हैं, जो भी मिला जुला रूप बनेगा उसको देख के अगर आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। शक्ल सूरत बनाने के बाद इसके गले में फंदा डाल दिया यानी कि मफलर, तो इसको दोनों तरफ से हम लटकाएंगे और ऊपर वो बना देंगे। जब सारे अटम पटम चटम बना दिए तो अब हम रंगों से इसके साथ होली खेलेंगे यानी कलर करेंगे। तो पिंक और येलो कलर हमने मफलर में कर दिया और पास में बैठा कपूस सोच रहा है कि ये कौन सा प्राणी और किस ग्रह से आया होगा, और इसको देख के भाई मैं भी इमोशनल हो गई क्योंकि इसकी शक्ल मेरे से मिल रही है। मेरे इमोशंस देख के इसने भी अपने दिल की बात बताई और बोला कि थोड़ा तो मफलर ढीला कर दो, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा अभी तो चुपचाप बैठ, दम क्या, गला घोंट के मार दूंगी अगर सुंदर नहीं बना तो। अब शक्ल तो ऐसी ही थी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन थोड़ा मेकअप और लाली लिपस्टिक करने के बाद इसके सिर को धड़ से जोड़ दिया गया। मैंने सोचा ये जैसा भी बनेगा मैं इसको टेढ़ी बोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसकी तरफ देखते हैं जैसे ही मैं ये नाम बोलती मेरे मुंह से निकलता टड्डू। वैसे भाई ये मैंने क्या बनाया मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन एक प्यारा सा नाम तो आप भी दे सकते हैं। बाय।